तो गाइस कैसे हैं आप सब, आ गए हैं हम फिर से फियर रेबल के रूम को स्पेक्टेट करने। जी हाँ, आज हम थोड़ा सा अपने भोजपुरी एक्सेंट में आप सब से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने का। भाई ये वीडियो को हम इंटरेस्टिंग और एक तरीके से बना सकते हैं, क्यों जो कि है यार क्या किया जाए। हाँ एक काम करते भाई, आज ना पबजी के बारे में और ये गेम में क्या कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सब भाड़ मिल जाए यार, मतलब भाड़ मिल जाए, लिटरली भाड़ मिल जाए। आज हम बात करेंगे जो अभी सबसे हाइप पे चल रहा है। हाँ मतलब सबसे हाइप पे जिधर देखो उसकी बात है, जैसे कि क्या कोरोना। नहीं 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 कोरोना नहीं, कोरोना तो भाई पुराना हो गया, अभी एक नया बवासीर चल रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। हाँ भाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, ये एक अलग लेवल का ड्रामा चल रहा है जहाँ पे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को रिप्लाई दे रहे हैं। भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, क्या जरूरत है, नहीं क्या ही जरूरत है इन झाड़ भरे टिकटॉक के गंड मरे पिल्ले के बच्चों को रिप्लाई देने के, उनके वीडियोस पर रिएक्ट करने के। अरे सालों का स्टैंडर्ड ही नहीं है यार, मतलब क्या ही बताएं। एक मिनट के वीडियो को चार भाग में डिवाइड करते हैं, 15-15 सेकंड का, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके अपलोड करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि भाई हमने बहुत मेहनत की है अपने कंटेंट में। और एक यूट्यूब वाले कंटेंट से मतलब भाई हम पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहे, भाई गांड के लौड़े लग जाते हैं, मतलब भयंकर दिन भर लग जाता है हिम्मत जुटाने में पहले तो, कि भाई अब कर ले। उसके बाद भाई पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये वो ऐसे करनी है, ये करनी है। तो भाई ये ऐसे गांड मरी जिंदगी होती है, मतलब कि एडिटिंग की, ठीक है। एक वीडियो एडिट करने में ना गांड फट जाती है भाई, गांड लिटरली फट जाती है। इनका क्या है, ऐसे न्यू अपने हाथ से हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे चोंच बनाएंगे हाथ से और जो दो बार कमर गांड हिलाएंगे, भाई हो गया इनका, बन गया दो। और लोग चूतिया लौंडे लोग जाते भी वही देखने, मतलब हाथ से हाथ की चोंच देखनी है भाई बाहर चला जा, पेड़ पे कौवा बैठा होगा उसके चोंच ताड़ ले, उसे वॉच कर ले, उसके भी व्यूज बढ़ जाएंगे भाई, मतलब लेवल लेवल के लोड़ू लोग है। एक बैठा है इधर, मतलब नाम है उसका भाई, बहुत अच्छा आदमी है, मतलब भाई गजब ही है। आप लोगों ने भी उस गांडों के शक्ल देखे होंगे, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है गांड मरवा के। नाम है उसका अमीर सिद्दीकी। जी हाँ ये वही बवासीर का पेशेंट है जिसका गांड का इलाज कल रात में कैरी मिनाटी ने अपने हाथों से किया है, तीसरे वाले हाथ से किया है। भाई इस लौंडू का ना मैंने वीडियो देखा था जो इसने, मतलब जिस वीडियो के ऊपर इसके इतने सारे रिएक्शंस बने ना भाई, मतलब मुझे तो लग रहा है ये अपने आप को ना कहीं अपने आप को वो ना समझ ले, वो मतलब क्या कोई सेलिब्रिटी ना समझ ले, मतलब इसकी गांड मारने के लिए मतलब भाई लोग मतलब कतार में खड़े हैं, एक के बाद एक गांड मारे जा रहे इसके। और लौंडा का रिएक्शन क्या है भाई, अलग ही लेवल का है। लौंडा को ऐसा लगता है कि भाई मेरी एक वीडियो पे तुम यूट्यूबर्स इतनी वीडियो बना रहे हो, तो जिस दिन में हम सारे के सारे टिकटॉकर्स बोलना शुरू कर देंगे उस दिन तुम लोगों का क्या होगा भाई, सोचो। तो भाई इस चीज़ पर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, सस्ती गांड हर कोई मारना चाहता है, नो मैटर वो कितनी गंदी हो। तुम्हारी सस्ती गांड थी, सबने मार ली, लाइन में खड़े होकर के वेट करके मार रही है, कुत्ता बना के मार रहा है, तेल लगा के सांडे का तेल लगा के, सब तेल नहीं मिला तो मोबाइल डाल के भाई कुछ भी लगा के मार रहा है, पर भाई खून निकला है तुम्हारा। अब भाई ऐसा वैसा खून नहीं निकला भाई, मतलब वेरी बढ़िया नहीं बोलना चाहिए, पाप लगेगा भाई। ये तो हो गया आमिर सिद्दीकी द झाटू। अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे बवासीर वाले ऐप के सबसे बड़े के झाट के बाल के बारे में। जी हाँ हम बात कर रहे हैं जिसके मुंह पे एक भी बाल ना हो, झाटू तब भी उसे कहते हैं, मजबूरी है। नाम है उसका मिस्टर फैजू। क्या राइमिंग बना भाई, मतलब अब तो भूल भी गया यार क्या राइमिंग बना था, छोड़ो। तो ये भुजड़ पप्पू और ये भुजड़ चोड़, मतलब ये दोनों मतलब दुनिया के सारे कैंसर एक तरफ और फिलहाल टिकटॉक के ऊपर चल रहे ये दोनों कैंसर एक तरफ। दमे का इलाज है, अस्थमा का इलाज है, मतलब सॉरी अस्थमा और दमा शायद एक ही होता है जहाँ तक मेरे को पता है, शायद पता नहीं। दमा का इलाज है, कैंसर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, बकचोदी का इलाज है, पर भाई इस टिकटॉक पे टट्टी करने का कोई इलाज नहीं है। मतलब ये लोड़ू लोग को जहाँ जगह मिलता है वहाँ हगना शुरू कर देते, अरे भुसड़ी वालों गांड मरा लो, मतलब ये लोग हगने से पहले ये भी नहीं सोचते कि भाई कहाँ हग रहे हैं,
किस पे हक रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। भाई सोचो, नहीं भाई तुम ट्रोल करने जा रहे थे, तुम जो करना चाह रहे थे रिप्लाई करना चाह रहे थे, जो करना चाह रहे थे किए। भाई तुम पूरा का पूरा यूट्यूब कम्युनिटी की गांड मारने चल दिए। भाई उधर कैरी बैठा हुआ था, अभी मारा ना तुम्हारा गाड़ी, कैसा खून निकल रहा है ना, अब उस खून को देख करके खुश हो रहे हो कि हाय 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 मज़ा आ गया मज़ा आ गया। भाई दिल से बता रहा हूँ तुमको, रत्ती भर मज़ा नहीं आया, तुम्हारा गांड फट गया और तुम्हारे पास फिलहाल बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुम बोल रहे हो भाई कोई नहीं, मुझे तो बहुत प्रिविलेज फील हो रहा है कैरी से गांड मरवा के। भैंचोद क्या है बे, मतलब छोड़ो यार, बहुत गंदा बोलने का मन कर रहा है, मतलब इतना कैंसर भरा पड़ा है ना इन भड़वों के शक्ल पे। भाई मैं इनका एक वीडियो चैट देख रहा था, मिस्टर फैजू और आमिर द लोडू सिद्दीकी के। भैंचोद भाई, भाई मतलब मेरा मेकअप ऐसे विश्वास उड़ गया है, मतलब इनके टिकटॉक वीडियो पे देख लो ना, ये यूं सुथरे सुथरे दिखते हैं ना, जैसे अय हय 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 हमारे यहाँ की लौंडियाँ फेल है भाई इनकी खूबसूरती के आगे। वीडियो कॉल पे देखा इनका वीडियो, मतलब वीडियो पे देखा इनका वीडियो कॉलिंग कॉल, माँ कसम एक लौड़ा लग रहा है ताइवान है पाकिस्तान से आया है, एक भोसड़े वाला लग रहा है गटर साफ करके अभी वहीं से मूड़ी निकाल के बोल रहा है हाँ भाई बोलो और किधर चाट के साफ करूँ। छोड़ो ये तो हो गया इन बवासीर के बारे में, अब बात करते हैं हमारे रोस्टर के बारे में। जी हाँ, यूट्यूब के किंग ऑफ रोस्टिंग कैरी जी मिनाटी। जी हाँ, कैरी जी मिनाटी इसलिए क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट तो थी, अब थोड़ी और बढ़ गई है, बहुत अच्छी रीज़न है। पूरी दुनिया वेट कर रही थी कि कब कैरी टिकटॉक की गांड मारता है, कैरी ने टाइम लिया, एक मारा दबा के मारा और इतना कस के मारा ना, कसम बता रहा हूँ सामने वालों के तो गांड के साथ साथ मुंह भी फट गया, मतलब ऐसे फट के कुत्ते की तरह नीचे जबड़े झूल रहे हैं, हाँ अब मैं क्या करूँगा, इसने मेरी गांड मार ली। भाई देखो मैं ऐसे मतलब ये शौकिया तौर पे बस, मतलब क्योंकि सब बना रहे वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है टिकटॉक के ऊपर। जी हाँ, मुझे भी इस टिकटॉक नामक वायरस ने मेरे गांड में कीड़े काटे थे। तो इसके बाद हुआ यूँ, चलो मैं बताता हूँ शुरू से, ये बात है करीब करीब 2-3 महीने पहले की या उससे भी पुरानी बात है। मुझे ना नया नया शौक चढ़ा कि मैं भी टिकटॉक पे वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ टिकटॉक पे क्या होता है। तो भाई मेरे अंदर में वो छमिया वाले कोई लक्षण थे नहीं, मैं ठेठ बिहारी आदमी, मतलब भाई इन चौथ हमसे मुजड़ा मुजड़ी ना हो, तो हम क्या डिसाइड किए कि अपनी पबजी के गेम्स को रिकॉर्ड करेंगे और उनको अपलोड करेंगे। ठीक है, बहुत सही सोच है, बहुत ही अच्छा सोच था, बहुत नेक सोच था। तो भाई हमने अपलोड करना शुरू करा, एक किए, दो किए, तीन किए, चार किए, पाँच किए, उस पर व्यूज़ आए थे 30, 35, 40, 45। मैंने कहा चलो ठीक है। भाई एक वीडियो बनाया था मैंने ना, उसमें मैंने कुछ नहीं करा था, उसमें बस एक मतलब एक म्यूज़िक डाल दिया, एक इमोट किया, पहाड़ से गिर गया। बेंचोद उसमें 800 व्यू, मतलब तुम लोग के लिए तो बहुत छोटा होगा पर मेरे लिए 800 व्यू, मतलब जहाँ 30-35 आ रहे थे वहाँ 800 व्यू आया। भाई मेरा ना झाड़ सुन गया, मतलब हमको उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि भाई तू वीडियो को प्रमोट किस बेसिस पे करते हो, नहीं मतलब उसमें कुछ है नहीं है, साला यहाँ स्क्वाड वाइप करके वीडियो डालो 5 व्यू, भाई इंचोद इमोट करके डालो 800 व्यू। अरे मादरचोद पागल हो रखा है क्या, अफीम खा के बैठा बहन का लौड़ा, कोई लॉजिक नहीं भाई, इलॉजिकल इररिलेवेंट वीडियोस पे इररिलेवेंट रिप्लाईज आई हैं। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो चीज़ चल रहा है टिकटॉक पे वो ये होता है ना, किसी की भी वीडियो डाउनलोड करो, मादरचोद उसको हल्का से एडिट करता है, अपलोड कर देगा अपने नाम से, व्यूज़ भी मिलेंगे, लाइक्स भी मिलेंगे और लौंडे के गांड तो ऐसे चौड़ा हो जाएंगे जैसे आय हाय हाय यही है इस वीडियो का ऑनर। एक तो भैंचोद आवाज़ चोरी करते हैं ये यूट्यूबर्स की, उसको अलग मैक्सटन की करी, कैरी की करी, कैरी की तो मादर चोद आमिर सिद्दीकी ने अपने वीडियो में ही कर ली, स्टार्टिंग ही करता यो दिस इज योर बॉय मेरा बेटा। तो एक सेकंड शुरू से बताता हूँ, आमिर सिद्दीकी के वीडियो के पहले फेज में लौंडा ये बोलता है यो गाइस दिस इज योर बॉय आमिर सिद्दीकी। भाई योर बॉय मतलब अगर मेरी अंग्रेजी थोड़ी बहुत भी अगर ठीक है तो योर बॉय का मतलब होता है आपका लड़का, मेरा लड़का। भाई मैं मुंबई तो गया नहीं और उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ से भी कोई नहीं आया होगा, तो फिर आप हमारे लड़के, पता नहीं था भाई मैं सपने में भी इतने अच्छे अच्छे मतलब
भाई मेरा दो चार सपना सच हो गया, पर ये नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मेरा सपना सच नहीं हुआ। तेरा जैसा लोड़ू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर तेरा जैसा लोड़ू मेरा बेटा हुआ तो मैं उसके गांड में मोलोटॉव मार के, नेड मार के उसे पेटी बना दूंगा पबजी में। रियल लाइफ में तो उसकी गांड मार लूंगा, ठीक है। सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चुतियाप्पा करने के बाद वो लोड़ू का बच्चा ये कहता है, तो कैसे हैं आप लोग? अरे मादरचोद, मतलब तुम टिकटॉकर्स की जात ही यही है ना, मतलब मादरचोद, दूसरे की वॉइस चोरी किए बिना तो तुम्हारी जिंदगी नहीं शुरू होती है मादरचोद, है मतलब माँ की चूत तेरी बहन के लवड़े मादरचोद। पर मैं तेरे को गाली देना नहीं चाहता था, मतलब लिटरली आई रिस्पेक्ट वुमेन्स, और इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग स्लैंग्स टू एनीवन, और अरे हिंदी में बता रहे सुन भोसड़ी के, अगर हम तुमको गाली दे रहे हैं माँ की बहन की लेकर के, तो भाई वो तुम्हारी माँ बहनों के लिए नहीं है, वो तेरे लिए है भाई। लोड़ू चंद भोसड़ी चोद मादर चोद जो वीडियो बनाते रहते हो, एक इन मतलब बिना सर पैर के वीडियो बनाते हो भाई। मेरे दो चार एक्सपीरियंस और है। टिकटॉक पे एक वीडियो देख रहा था जब NRC और CA आया था, उस वीडियो में एक लौंडा, हिंदू लौंडा, ये कहता है मुस्लिम हमारे भाई है और हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अरे भाई चूत सी शकल के मादरचोद उनको भेज छोड़ रहा है, एक तो वो अनपढ़ जो उनको समझ में नहीं आया, उनसे बड़ा अनपढ़ तू जो मादरचोद तूने समझा नहीं पाया, मतलब गांड मरा ले भोसड़ी के पिल्ले, मतलब भाई इररिलेवेंट। अगर तुमको टिकटॉक पे फेमस होना है ना भाई, देखो टिकटॉक और यूट्यूब पे फेमस होने का सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, यूट्यूब पे फेमस होने का सबसे आसान तरीका है तगड़े कंटेंट बनाओ, लगातार बनाओ, लगातार गांड मारो, लगातार रोस्टिंग करो, ट्रेंडिंग आओ, गाड़ भीसो, ये करो वो करो, भाई गाड़ फट जाती है ट्रेंडिंग आने में, सॉरी ट्रेंडिंग नहीं, अच्छे कंटेंट बनाओ, लगातार पोस्ट करो, रेगुलर लाइव आओ, अच्छे वीडियोस बनाओ, सबको शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लड़ा लहसुन ये। और टिकटॉक पर फेमस होने का सिर्फ एक तरीका है, हाथ टेढ़ा मुंह टेढ़ा गाड़ मटकाओ, ए मामा करके मार चुदाओ, ठीक है, और आप हो जाओगे फेमस, इसी गारंटी मैं देता हूँ। मेरे मेस में एक भोसड़ी का है, मतलब है एक बच्चा है मेरे मेस में काम करता है, मतलब मैं जिधर रहता हूँ उधर के मेस का मैं वो काम करता है, वो दिन भर काम करता है और रात में बर्तन धोते हुए वीडियो बनाए, ए मामा बहन चौथ के 8,000 व्यूज आए, हम यहाँ गण घिस के स्क्वाड वाइप करें तो भी मादर चौथ 8 व्यू आए, मतलब पबजी सॉरी मतलब टिकटॉक पबजी के बाद तू ही मादर चोर निकला, मतलब तू भी घर का विभीषण है। और भाई विभीषण हो भी क्यों ना, ये मादर चोर आया भी तो उसी देश से है ना जिस देश से कोरोना आया है, चाइना, चाइनीज माल, कैंसर का शिकार मा सॉरी कैंसर का शिकार नहीं, कैंसर के विक्रेता भोसड़ पप्पू झाटू लोड़ू गांडू, भाई इतनी गालियां है ना इनके मुंह पे निकालने के लिए, मतलब भाई मतलब अलग ही लेवल का है। और भाई कैरी मिनाटी के कल के वीडियो में एक सीन था जहाँ पे वो कहते हैं कि फैजू मतलब उस सीन का ये कंक्लूजन था कि फैजू ने कैरी को कॉल करके धमकी दी। रियली ऐसा क्या? अरे मादर छोड़ो भाई, वो रियल इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो, ही इज द इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूबर, भोसड़ी वाले उसके फॉलोअर्स ने ना तुम्हारे ऊपर मूतना चालू करा ना, भैंचोद गंगा जल से शुद्ध, जैसे क्या बोलते गंगा जल से किसी चीज़ को शुद्ध किया जाता ना, वैसे तुझ जैसे लोड़ू को शुद्ध हो जाओगे, मतलब भैंचोद इतना छोड़ो इस चीज़ को हटाओ, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हाँ अगर कैरी मिनाटी के भाई फॉलोअर्स ने ना तुम्हारे मुँह पर सीधा मूतना शुरू करा ना, तो तेरे मुँह में ना 6 इंच का गड्ढा हो जाएगा, शाहरुख खान के बाद अगला लौंडा जिसके मुँह पर डिम्पल होगा भैंचोद तू ही होगा, ठीक है। और भाई तुम्हारे जो वीडियोस होते हैं जिसमें तुम इतना मेकअप पोत के पेल करके आते हो ना भाई, ये जो लाइक्स आते हैं ना तुम्हारे वीडियोस पे, वो तुम्हारे नहीं आते, वो लौंडियों के आते हैं, जो लौंडियाँ ये देख करती है हाँ इसने आज ये मेकअप करा, इसके मेकअप में ये है, ये मेकअप मैं ट्राई करूँगी, बस इसलिए वो तुम्हारे वीडियोज़ देखती है, ठीक है भोसड़ी के। और हमारे वीडियोज़ मतलब कि जो यूट्यूबर्स के वीडियो होते हैं उसमें क्या होता है देख लो भाई, इनसे क्या होता है, दूसरे के रूम को स्पेक्टेट करो, बकैती करो, बकचोदी करो, सामने वाले को गाली दो, उसके गेम को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लेन करो, क्रिटिसाइज करो, अप्रिशिएट करो, मतलब भैंचोद गाड़ फट के हाथ में आ जाती है, समझते हो नहीं समझते हो? तो अभी जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना सब पब्लिक लोग इधर ऑल टिकटॉक पे,
उसको यही बोलते हैं गांड फाड़ के हाथ में देना। तुम्हारा तो मार लिया, ऐसा कैसा लगा तुमको जब उधर तेरे को गाली पड़ रहा था, वो कैरी ने तो हंसते हंसते गांड मार लिया, वो क्या नाम है उसका, वो बोलू मोलू सा क्या नाम है यार उसका, आशीष चंचलानी ने तो भाई तुम्हारी गांड अलग मार ली गुब्बारा बना के, और तुम्हारा भुवन भान तो भाई छोड़ दो, वो लोग बेटे लोग बाप है तुम लोगों का, ठीक है। फ्री टाइम में तुम लोग भी यही लोग का वीडियो देखते हो, ठीक है, भोसड़ी के मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब जिसकी वीडियोस देखते हो उसी को गाली देते हो, मतलब भाई तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज़ है कि वो माचुदाने गई है, अच्छा सॉरी अकल तो होती ही नहीं है, तभी तो टिकटॉक पे गांड मरवा रहे हो। और मुझे इससे एक बात याद आई एल्विश यादव की, जी हाँ एल्विश यादव द वेरी फर्स्ट बिगनर हु स्टार्टेड रोस्टिंग टिकटॉकर्स ऑन हिज न्यू अकाउंट वेर ही इज नाउ यूज ट्राइंग टू रोस्ट पीपल्स, जहाँ पे उसने ना रोस्टिंग के दौरान एक बात बताई थी कि मतलब कि भाई जो तुम्हारा सबसे पहला टिकटॉकर लोग था ना, मतलब जब टिकटॉक इंडिया में लॉन्च हुआ था उस क्या बोलते उसको भाई, मतलब भयंचर वो जो सम्मेलन था ना, उस सम्मेलन में चीफ गेस्ट बन के कौन गया था, एल्विश यादव। और लोगों और वहाँ पे जो इससे जिसने इनवाइट करा था उन्होंने यही कहा था, सीधी साफ शब्दों में कहा था कि सर एल्विश इन लौंडे और लौंडियों के साथ फोटो खिंचा लो बुढ़ के बैठा लो फेमस हो जाएंगे। अब फेमस तो हो गए भूसड़ के पप्पू लोग, लेकिन अब इन्हें ये नहीं समझ में आता कि बहन जो जिसके गांड पे पैर रख के तुम ऊपर उठे अब उन्हीं की गांड को दबाते हो, तो शर्म भी नहीं आती भूसड़ के, मतलब क्या चूतिया हो क्या, पागल हो गए वो भूसड़ पप्पू हैं। देखो इंडिया में चार ही चूतिया है, मतलब लिटरली मेरी नज़र में तो चार चूतिया है जो रैंक होल्डर्स है, मतलब भाई दे आर लिटरली रैंक होल्डर चूतिया। सबसे वन नहीं सुनो नंबर फोर से स्टार्ट करते हैं, अरे चल फाइव चूतिया हाँ पाँच चूतिया रखते हैं ना, मज़ा आएगा, मतलब टॉप फाइव टीमों की तरह टॉप फाइव चूतिया है इंडिया के। नंबर फाइव पे आता है राहुल गांधी, इसको बोलना है क्यों, क्योंकि उसको बोलना उसकी मजबूरी है, नहीं बोलेगा तो सामने वाले बोलेंगे कि वो कुछ बोलते ही नहीं, इसलिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है, गांड में आलू डालो सोना निकलेगा, पता नहीं माँ चुदा ले कोरोना निकलेगा, भाई कुछ कुछ ऐसे ही बोलता है वो, मतलब आलू डालो सोना निकलेगा उसका एक नया बहुत पुराना फेमस वो, और भी बहुत सारे कैंसर्स उसने दिए, मतलब भाई लेवल लेवल का। ये था नंबर वन, सॉरी नंबर फाइव राहुल गांधी। नंबर फोर केजरीवाल, इस भूसड़ी वाले के पास ना काम करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और काम है, क्या, चुगली करना, कंप्लेन, भाई हर वक्त इसके पीछे मोदी जी का हाथ है, इसके पीछे मोदी जी का हाथ है, मेरे गांड के नीचे मोदी जी का हाथ है, भाई क्या है बे, योग्य नंबर फोर। नंबर थ्री चूतिया है, नंबर थ्री चूतिया कौन है बे, नंबर थ्री चूतिया है भाई, रुक जाओ यार सोचने दो तब तक गेम देखो, बहुत ही अच्छा खेल रही थी वैसे यार टीम, हाँ तो नंबर टेन चूतिया जो टीम है वो टीम है, अच्छा नहीं सॉरी नंबर टेन, अरे क्या बोल रहे हैं, नंबर थ्री चूतिया मैं हूँ जिस झाट उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है चलो। नंबर थ्री पे हो गया मैं, नंबर टू पे आता है आमिर सिद्दीकी, जो भुजड़ चोर को ये भी नहीं पता कि रोस्टिंग होती क्या है, मतलब भाई रोस्टिंग के ऊपर रोस्ट के ऊपर रोस्ट बनाया जाता है, रोस्ट के ऊपर लौड़ा स्वाइप अप में वीडियो कॉल, अब ये वॉइस कॉल के रिकॉर्डिंग्स नहीं अपलोड किए जाते बहन के लौड़े। और नंबर वन पे आता है फैजू, जिसको लगता है कि भाई सलमान खान के बाद तो इसी का नंबर है, मां तू मतलब भाई अलग ही लेवल का स्वैग इसका, जहाँ फैजू बैठता है ना वहाँ पे जाके बोझ फैजू दिन में कितने उड़ाता है, अरे भोसड़ी वाले तुम मुजड़ा छाप भैंसद मुजड़ा करने वाले, तुम साले गांड मरे के क्या ही बोले भाई, कितनी गालियाँ दूँ मैं इन्हें, कितनी गालियाँ दूँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है और कहने को, मेरे अल्फाज कम पड़ जा रहे हैं इन चौधरों को गाली देने के लिए, गाइस मुझे माफ़ करना पर मुझे और गालियाँ देनी है, और अब मैं शुरू कर रहा हूँ तो भाई अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब मैं शुरू कर रहा हूँ इन्हें बेहिसाब गालियाँ देना, तो कृपया करके आप सभी से निवेदन है कि आपने तो हेडफोन पहन रखा होगा, जी हाँ आप तो मेरे वीडियोज़ बिना हेडफोन के, सॉरी अब तो मेरे वीडियोस देखते नहीं, और अगर देखते हो तो हेडफोन के साथ देखते हो, या तो आप सबको पता ही होगा, मतलब कि मेरे मुंह पे भाई कुछ नहीं, कुछ जो आता है मैं बक देता हूँ, मैं नहीं सोचता कुछ भी, क्योंकि मैं हूँ कटप्पा महासेना का सेनापति, और मैं किसी भी गांड मारने से नहीं डरता, जस्ट लाइक माई IGL।
माय इन्फ्लुएंसर कैरी मिनाटी, गांड मारना हमारा पेशा था नहीं भाई। मतलब हम देखो, मैं भी इधर मतलब क्या 4-5-6-7 वीडियो बनाया है, यूट्यूब पर भी बहुत नया है, बहुत फ्रेशर हूँ मैं। इधर 4-5-6-7 वीडियो बनाया है, पर कभी किसी को ना ऐसी गंदी गालियाँ नहीं दी, मतलब किसी को नहीं, ऐसे खुले में तो कभी किसी को नहीं दिया, पर इन मादर चौधों को गाली देने पे ना भाई कसम बता रहा हूँ भाई, ट्राई करके देखो, इतना सुख मिलता है ना, दुनिया के सारे सुख एक तरफ। इन मादर चौधों को जो हवस वालों को गाली देने में, सॉरी हवस नहीं, इनके अंदर हवस होगी कैसे साले मीठे, तो इन लौड़ुओं को जो गाली देने में जो सुकून मिलता ना, आय हाय हाय भाई, मेरे दिल के चैन आ जाते हैं। मतलब भाई कसम से, बुरा नहीं मानना, मतलब मान भी जाओ तो मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब भाई बच्चा ही नहीं कुछ बोलने को इनके लिए। भाई देखो, मेरे लिए को ना सबसे बुरा बस एक ही चीज़ का लगता है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। भाई क्या कर रहे हैं आप ये, मतलब क्यों कर रहे हैं, मतलब आप इमेजिन भी कर रहे हो कि आप क्या कॉम्पिटिशन करवा रहे हो। मतलब ये तो वही हो गया साला, सामने स्काउट बैठा है, मॉर्टल बैठा है, डायनामो बैठा है, और ओपोनेंट में कौन है, हम और मेरा तीनों को अच्छा सुंदर दोस्त। भाई क्या है, लैंड करने से पहले पेटी बना देंगे, ऊपर से पैराशूट से पेटी लैंड करेगी हमारी ज़मीन पे। भाई मतलब कभी आपने सुना है कि एडिडास और अबूबाज का कभी कोई मतलब कंपैरिजन होता नहीं ना, तो फिर ये क्यों भाई। आपने कभी सुना है सैमसंग और सैमसुई का कभी कोई कंपैरिजन नहीं ना भाई, तो फिर ऐसा क्यों ब्रो। नहीं मतलब भाई देखो, चलो इसका एग्जांपल और ट्विस्ट के साथ दिखाते एक्सप्लेन करता हूँ। पबजी खेलते होंगे सारे, हाँ सारे लौंडेला पार्टे तो पबजी खेलते हैं इस लॉकडाउन में, तो जो नहीं खेलते थे वो भी पबजी खेल रहे, बहन चंद ब्रॉन्ज वाले एस पहुँच गए। तो भाई इस सीज़न में, मतलब इस चीज़ में मुझे बस एक बस सिंपल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जैसे पबजी खेलने के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन आईफोन है ना, वैसे गांड मारने के लिए सबसे अच्छे लोग टिकटॉक पे ही मिलते हैं। मतलब भाई रैंडमली पत्थर फेंको फैन चो टिकटॉक पे, किसी ना किसी चूतिया के गांड पे जाके लगेगी। आप किसी को भी ना किसी भी कोई भी चीज़, जैसे सपोर्ट करो फैन चो गांड मटकार मटकार करके मास्क ये फॉलोअर्स बढ़ाते हैं आपके दिमाग में, सच बता रहा हूँ, मतलब दिल से बता रहा हूँ। अगर आपने कभी टिकटॉक देखा होगा तो मेरे हर लाइन पर आपको एक ना एक शख्स याद ज़रूर आएगा, भोसड़ी का दूसरे को वीडियो को एडिट कर करके अपने वीडियो अपने में डालता है, दूसरा हाथ मुँह टेढ़ा करके गाँव मुँह टेढ़ा करके डांस करता है, तीसरा क्या करता है भाई, हाँ तीसरा तो अपने फ़ैन और फॉलोवर से ही जाके तेरी माँ की चूत सुन के आता है। ऐसे लौंडे अपने आपको इन्फ्लुएंसर कहते हैं, माधरचोद जिनके फैंस उनको बोलते हैं क्या माधरचोद किधर माचदार है, ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे। ये फैजू की कहानी थी भाई, मतलब अभी मैंने एक बार देखा वीडियो इसकी। भाई सुनो, जो ये फैजू और आमिर सिद्दीकी है ना, इनकी टिकटॉक पे झाड़ भर के वैल्यू नहीं है, ये लौड़ा बाहर मार्केट में क्या वैल्यू उठाने जा रहे हैं, इनकी वैल्यू तो एक्स से भी ख़राब है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे एज्यूम द वैल्यू ऑफ फैजू एंड सिद्दीकी है, वहाँ पे भी भाई नील बटा सन्नाटा रिप्लाई आता है, मतलब इनको भाई वहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी लाइफ का भी सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सस्ते सुथरे टिकाऊ लंड से गांड मराना। और भाई जो इतने सारे वीडियोज़ इन पर बन रहे हैं ना यूट्यूब पे, कैरी का हो गया, आशीष चंचलानी का हो गया, अमित बड़ाना का हो गया, एल्विस यादव तो भाई ही वॉज द बिगनर, तो शुरुआत ही था इस महायुद्ध का, मतलब महायुद्ध क्या लौड़ा, एक तरफा युद्ध का। तो भाई इस इन लौंडों का ना मतलब भाई एक स्टैंडर्ड, इनका एक ब्रांड है, इनका एक नाम है, ठीक है। और तुम्हारा क्या है भोसड़ी के, अपने आप को कहते हो आई एम द ब्लडी टिकटॉकर, अरे तेरी माँ की फैन चोद आई एम द ब्लडी टिकटॉकर, साले सुअर सी सकल है, फटेले गांड की तरह तुम दिखते हो फैन चोद, एडिटिंग स्पॉटलाइट और क्या होता है माधुरी चोद एडिटिंग स्पॉटलाइट और वो तुम्हारी माँ का वो चॉक पाउडर उड़ा करके भजन बजा करके खुराने पाक को पढ़ के कुछ आयते पढ़ के तुम अपने आप को ये कहते हो, भाई हम बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, हम मोटिवेशनल और क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस बनाते, अरे लौड़ा इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस बनाते हो माधुरचोद, अपनी गांड खुद मरवाते हो उसके बाद कहते हो कि हम इन्फ्लुएंसर। भाई तुम ना गंड मरे रंडवों की ना इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, मतलब जो रंड होंगे ना, जो रंडवे जो रोड पे चल गए गांड पे मरवाते फिरते उनके इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। भाई
देख अपना भी आदत है टिकटॉक देखने का, अपना भी आदत है टिकटॉक पे वीडियो बनाने की। कसम बता रहा हूँ ना, मेरे टिकटॉक के जो फेवरेटीज है ना चार ही पाँच है, मतलब बहन जो चार पाँच है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है। नाम तो मेरे को वैसे भी किसी का याद नहीं है। एक तो भाई अपना वो सिफू जी सर है, वो तो भाई अपना ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद नंबर टू पे कौन आता है, एक तो सिफू जी सर फेवरेट है, दूसरे नंबर पे हमारा फेवरेट आते हैं ये भैया जिनके जिन्हें जिनके जिन्हें ना तुम्हारी बात पसंद ही नहीं आती आथू, ये हमारे दूसरे फेवरेट है। तीसरे फेवरेट हमारे आते हैं अपने भाई, मतलब क्या ही बोले उनको, क्यों उधर जाके बैठे हुए हैं, मैक्सटन भाई। तो ये दो तीन आदमी है जो भाई अपन को पसंद आते हैं। चौथे में अपने आते हैं भाई वो इंडियन भाऊ, भाऊ फटेले कॉन्डम की तरह तुम भी हो भोसड़ी वालों, माच डालो भाई। गालियाँ तो और इन भड़वों को देने के लिए, पर अभी इतने से काम चला लो कि बेटा आमिर सिद्दीकी और फैजू तुम्हारे जैसे मेरे नीचे तो झूल रहे मादरचोद। एंड गाइस दिस वाज नॉट अ ट्रोल, इट वाज जस्ट माय रिएक्शन ऑन दिस बकचोदी जो लगातार चला आ रहा है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। होप यू गाइस एंजॉयड।